हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द ग्रूमिंग फैक्ट्री सलून एकेडमी के अपने चैनल पे। मैं महेश मोरे आज आपको दिखाने वाला हूँ जीरो फेड हेयर कट कैसे करते हैं। दोस्तों आज हम देखने वाले जीरो फेड हेयर कट बहुत ही शॉर्ट लेंथ पे हम करने वाले ट्रिमर के मदद से। ये देखिए, ये हमने चेक किया ऑक्सीपिटल बोन एरिया पे, टेपल एरिया ज़्यादा कहाँ पे, टेपल एरिया के ऊपर से हमने फेड लिया है। बहुत ही हाई फेड है हम करने वाले। ये जो मार्किंग लाइन कर रहे हैं ऑक्सीपिटल बोन एरिया के ऊपर से मार्किंग लाइन हम ले रहे हैं, और ऑक्सीपिटल बोन एरिया के ऊपर के मार्किंग लाइन होने के बाद रिसेक्शन एरिया में हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थ्री साइड जो हम फेड करने वाले हैं उसका भी मार्किंग हमें लेना जरूरी है। ये देखिए, इस तरह से हम मार्किंग लेंगे। दोनों साइड से मार्किंग लेने के बाद हमने पूरे मार्किंग के बाल जीरो से ट्रिम किए। जैसे ही आप जीरो मशीन को यूज़ करते हैं या ट्रिमर को यूज़ करते हैं तो उसको फ्लैट और हैंडलिंग प्रॉपर रहनी चाहिए, उसकी होल्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने फोर फिंगर्स नीचे की तरफ से होल्ड किया और थंब को ऊपर की तरफ होल्ड किया है। थंब को होल्ड करने के लिए वहाँ पे एक नॉर्मल थंब होल्डर दिया रहता है, वहाँ पे आपको थंब रखना है, ना कि ट्रिमर को बहुत ही पीछे पकड़ना है, ना कि ट्रिमर को बहुत ही आगे। ये हमारा जीरो करके होने के बाद हमने ये लिया दो नंबर का क्लिपर। ये दो नंबर के क्लिपर के साथ में हम बालों को ट्रिम करेंगे। जीरो के ऊपर की जो लाइन है उसे हम दो नंबर के क्लिपर से ट्रिम कर रहे हैं। ये देखिए, तीनों तरफ से हमें प्रॉपर दो नंबर के क्लिपिंग से ट्रिम करवा के लेना है, और ट्रिमर को अच्छे से हल्के हाथ से और प्रॉपर यूज करना है। ये देखिए, उसके बाद हम यूज करेंगे वन नंबर क्लिपर। ये देखिए, वन नंबर क्लिप को हमने लिया, जीरो फेड से लेकर दो नंबर फेड का डेढ़ इंच का एरिया हमने वन नंबर क्लिप से ट्रिम किया। वहां पे ट्रिम करते टाइम हमने क्या किया कि वन इंच हमने उसको ट्रिम किया, हाफ इंच हमने स्ट्रेट ट्रिमर को यूज किया और हाफ इंच ट्रिमर को स्लोप में यूज किया, मतलब उसे 35 एंगल से आपको उठाना है। ये देखिए, अब हमने ट्रिमर को यूज किया डेढ़ नंबर, हमने जो ट्रिगर था उसे पीछे किया और उसके मदद से क्लिपर का साइज बढ़ जाता है, और हमने ये ट्रिमिंग जो एक इंच तक की थी उसे आगे एक इंच तक बढ़ाने वाले। जैसे कि दो नंबर वाला फेड था वो प्रॉपर मर्ज हो जाएगा एक नंबर और डेढ़ नंबर के बीच में। और इसके बाद आप देख सकते हैं रिसेक्शन एरिया का सेक्शन हमने प्रॉपरली ट्रिम किया है। ये देखिए दोस्तों, किसी का हेड शेप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है या नॉर्मल मसल्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रिम करवाना है। ये देखिए, अब हम जीरो फेड को मर्ज कर रहे हैं। ये लिया हमने क्लिपर 0.5 mm का, मतलब जो बहुत ही छोटा रहता है, हाफ नंबर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये हाफ नंबर का जीरो से लेकर जो हमने वन नंबर का ट्रिमिंग किया था वहाँ पे मर्जिंग कर रहे हैं, और इसे चलाते वक्त हम यूज करेंगे ओनली हाफ इंच। और उसमें हम क्या करने वाले हैं कि जीरो की जो लाइन है उसे 1 cm, उसके ऊपर 1 cm हम ट्रिमर को 25 degree एंगल से मूव करेंगे, अपलिफ्टिंग मतलब ऊपर उठाएंगे, और उसके मदद से ये पूरे बाल आपके मर्ज हो जाएंगे। देखो दोस्तों किस प्रकार ये हेयर कट हो रहा है, सेम इसी प्रकार आपको वर्क करना है। देखिए ये पूरा मर्जिंग इस 0.5 के क्लिप के मदद से आपको करना है। ये देखिए, उसके बाद हमने किया कॉम्ब ओवर ट्रिमर के साथ कटिंग। ये जो साइड में ज्यादा बाल आता है और जो हमने दो नंबर के क्लिप तक यूज किया था उसे हम कॉम्ब ओवर ट्रिमर के साथ में मर्ज कर दें। दोस्तों ये मर्जिंग होने के बाद हम टॉप सेक्शन को डिटेंड करेंगे, टॉप सेक्शन को कट करेंगे। ये देखिए, हमने रिवर्स चेकिंग के गाइडलाइन के हिसाब से टॉप सेक्शन को ट्रिम किया है, बहुत ही नॉर्मली फाइन कट किया है हमने टॉप सेक्शन का। टॉप सेक्शन वाला बाल बहुत ही पहले से शॉर्ट था। ये देखिए, पहले हमने सेंट्रल प्रोफाइल सेक्शन काटा, फिर उसके बाद में साइड सेक्शन, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ से आपको कट करना है, सेक्शन बाय सेक्शन यूज करना है। और जैसे भी आप सीजर चलाते हो ना, सीजर चलाते वक्त बस थंब का यूज कीजिए, ना कि फोर फिंगर्स का। फोर फिंगर्स आपके होल्डिंग मतलब एक ही जगह पे रहेंगे, थंब आपका ऑपरेटिंग के लिए काम करेगा। ये देखिए, वन बाय वन सेक्शन के साथ हम काम कर रहे हैं। दोस्तों
प्रॉपर ट्रिमिंग होने के बाद हमने किया ये कट लाइन रेजर की मदद से। रेजर जब भी आपको यूज करना है तो उसे 35 एंगल के मदद से यूज करना। 35 एंगल मतलब जैसे कि रेजर पूरा आप स्किन के ऊपर रखते हो, उसके बाद में उसे थोड़े से ऊपर उठाना है, वो हो गया आपका 35 एंगल। और अच्छे से मार्किंग और अच्छे से लाइन आपको लेने, ये देखिए अच्छे से कान को पकड़ के रेजर को यूज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये हमारा प्रॉपर हेयर कट हो गया जिसे हमने किया सेट। ये देखिए ये हमारा फेड का रिजल्ट। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो बनाते हैं, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे बता दीजिए।